गर्भावस्था के दौरान खून की कमी को दूर करते हैं घरेलू उपाय। आइए जानते हैं क्या है ये घरेलू उपाय। दोस्तों, हाल ही में भारतीय महिलाओं पर किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि भारत में लगभग 10 में से 6 महिलाएं अनीमिया यानी कि खून की कमी से पीड़ित होती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां लेने की सिफारिश करते हैं। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का प्रभाव अधिक होता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक मात्रा में विटामिन मिनरल्स फाइबर की जरूरत होती है। रक्त में लोह तत्व की कमी होने से शरीर दुर्बलता का शिकार हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप प्राकृतिक चीजों से अपना खून बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल नुस्खे में, जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल फल फूल सब्जियों और आपको स्वस्थ रखने वाले उनके गुणों से रूबरू कराते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होती है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर का सेवन करने से आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसको रोजाना खाने के लिए सलाद या सब्जी के तौर पर शामिल कर सकते हैं। इसका जूस निकाल कर भी पिया जा सकता है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, शलजम और शकरकंद जैसी सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। आप चाहें तो इन सभी का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। इनके सेवन से पेट भी ठीक रहता है। ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। सूखे मेवे जैसे कि खजूर, बादाम और किशमिश, अखरोट, खुबानी, इनका सेवन करना चाहिए। इनमें आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे फल जैसे कि तरबूज, सेब, अंगूर, अनार, इनका सेवन करने से भी खून बढ़ता है। अनार तो रोजाना खाना चाहिए, इससे आपका खून जल्दी बनता है। गर्भावस्था में इसका सेवन जरूर करें। इसके अलावा वो गर्भवती महिलाएं जिनके शरीर में आयरन का स्तर ठीक होता है, जो कम बीमार पड़ती हैं, उन्हें खांसी और जुकाम जैसे संक्रमण की आशंका भी कम रहती है। ऐसी माओं के बच्चों का भी जन्म के साथ ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका कम ही होती है और शिशुओं के APGAR स्कोर भी बेहतर होते हैं। इसीलिए पर्याप्त आयरन की खुराक लें और आपके शिशु दोनों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आपको अनीमिया की शिकायत है तो आप प्राकृतिक तौर पर अपने खून की कमी को बढ़ा सकती हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कोई नया नुस्खा लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपकी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेचुरल नुस्खे और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुदरती नुस्खों से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।